राधे राधे। आज चलिए हम लोग जितने भी घर पे पुराने कपड़े हैं उनका यूज करके छत पे सोने के लिए हम लोग आज गद्दा बनाने का ट्राई कर रहे हैं। पहली बार बना रही हूँ मैं खुद, लेकिन मम्मी का हेल्प लेकर। तो आप लोग भी ज़रूर, अकेले इसको करना पॉसिबल ही नहीं है, किसी और को तो साथ में लेके ही काम करिए। जितने भी ख़राब कपड़े हैं उनका यूज़ करके इस पे अच्छे से इसको फैला देना है। फैलाने के बाद फिर उसको कवर कर देना है कपड़े से। साड़ी का यूज करें, मेरी मम्मी का साड़ी था, सब पुराना हो गया था तो उसका मैं यूज की हूँ। या फिर आप लोग चादर का भी यूज कर सकते हैं, मोटे वाले धागे और मोटे वाले सुई से इसको सिलना है। देखिए मैं कैसे सिल रही हूँ। सिलना बहुत इजी है, बट इसको पूरा सिलने में मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बना रही हूँ, डबल वेट का। इसके वजह से और ज़्यादा टाइम लगा है मुझे, नहीं सिंगल बनेगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए इसको सिलना बहुत आराम है, बट इसको जब पूरा सिलेंगे तो आप लोग के हाथ में भी दर्द होगा, जैसे आज मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है। बट इधर उधर पुराने कपड़ों को फेंकने से अच्छा है कि इसका यूज कर लें। अब आराम से उस पर होइए और बनने के बाद देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। जब तक मैं इसको सिल रही हूँ आप लोग मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक कर लें। देखिए मेरी मम्मी वहाँ पे कर रही है। हाँ मेरी मम्मी मिल के इसको पूरा, आप लोग को वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। इसको सिलना ही है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। देखिए मैं दोनों तरफ से सिल रही हूँ क्योंकि एक तरफ से सिलना पॉसिबल ही नहीं था। देखिए कितना चौड़ा बनाई है। अब उसको कवर उसका बना रही हूँ। इस कवर के अंदर उसको डाल देना है। मैं इसको डाल लेती हूँ फिर आप लोग को मैं वीडियो दिखाऊंगी। देखिए हो गया, इसमें मैं चल रही थी, इधर उधर हो गया है, पूरा बन गया बिस्तर। आराम से इस पे बैठो, जो मन करे वो करो। बाय बाय, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, बाय, और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए।